जहां एक तरफ रबी की फसल तैयार होने पर किसानों को चेहरों पर खुशी देखने को मिली है, जगह जगह फसलों को काटना शुरू हो गया। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के गोहल्ला थाना क्षेत्र में आग लगने से करीब 10 बीघा फसल जलकर राख हो गए। आनंद फानंद में कई गांव के ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। गोलाहर थाना क्षेत्र के अतरमु नामकार गांव के उत्तर सिवान में भूसा बनाते समय मशीन से निकली चिंगारी में आग लगने से करीब 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गया। वही मौके पर पीआरबी 1578 और कोबरा के जवान कई गांव के ग्रामीणों मिलजुल कर आग पर काबू पाए। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर बचे हुए आग को बुझाया। वहीं एक किसान ने बताया कि पिछले साल भी हमारे खेत में आग लगने से नुकसान हुआ था, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। मौके पर पहुंचे राजस्व निरीक्षक हरिनारायण सिंह ने बताया कि यहां आग से करीब 30,000 रुपये क्षति हुआ है, जो मंडी समिति द्वारा दिया जाएगा। खबर जगत सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले जो आग लगी है? मेरा नाम संतराम है, मजोन कला का निवासी हूँ। अतरमू में आग लगा था, मेरा 2 बीघा जम गेहूँ था वो जल गया। कंबाइन से भूसा बना रहे थे। इसमें ये आग पे काबू कैसे पाया गया? आग पे गांव वाले आके बुझाए हैं। क्या प्रशासन का भी कोई यहाँ? प्रशासन कोई नहीं आया, बुझ गया। उसके बाद में वो आया दमकल बुझने के बाद। पुलिस महकमा कौन कौन लोग आए थे? हम तो देखे नहीं, आए थे शायद। किस गांव के रहने वाले हैं? देवेंद्र प्रसाद चौधरी अतरमू के रहने वाले हैं। आप इस समय हाथ में आम का डाल लिए हुए हैं, आग बुझा रहे थे, आग कैसे लगा था ये? कितना आग कंपाइन के भूसा के मशीन से लगी है। कितना फसल लगभग नुकसान हुआ होगा? लगभग 4-5 बीघा। कैसे आग पे आप लोग काबू पाए? काबू पाए हम लोग डंडे से बुझा रहे थे आम के पत्ते वत्ते। कला नाम है, अतरमू नानकार के रहने वाले हैं। 3 बीघा गेहूँ हमारा जला है। लगभग पूरा फसल इसमें यहाँ कितना नुकसान हुआ होगा? पूरा फसल 3 बीघा नहीं, बाकी लोगों का भी जला है। तो बाकी लोगों का तो अब जो होगा होगा। ये ऐसे में जो है अभी बता रहे थे कि अगले साल भी आपका फसल नुकसान हुआ था सरकार। हाँ, उसमें हमको कुछ भी नहीं मिला। आग पे काबू कैसे, काबू आप लोग कैसे पाए आग पे? गाँव के आदमी, जवार के आदमी यहाँ जुट करके और जो है डंडा और लाठी से सब पीट पाट करके बुझा दिए आग। मतलब सरकार तरमू में आग लगा हुआ था, यहाँ लगभग कितने लोगों की क्षति, कितना फसल नुकसान? 6 व्यक्तियों का खेत जला हुआ है और अनुमानित क्षति 30,000 रुपये की नुकसान हुई है। कैसे कुछ इसमें लगभग 10 बीघे तक जले हुए, क्या इसमें कुछ डंठल थे, कुछ खड़े थे? हाँ, कुछ डंठल थे, कुछ खड़े थे। बाकी जो लोगों का नुकसान हुआ, फसल नुकसान हुआ, उन लोगों के लिए क्या लाभ आपके द्वारा? उन लोगों के लिए मंडी समिति द्वारा हमारे क्षति आकलन पर उनको सहायता मिल सकती है। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं? मैं हरिनारायण सिंह, राजस्व निरीक्षक चेतिया।